बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4, एसएलओ नंबर 14.1.4, व्हिच इज डिफरेंशिएट अमंग द टाइप्स ऑफ मैलवेयर, दैट मीन वायरस, वॉर्म, एडवेयर, स्पाईवेयर एंड ट्रोजन हॉर्स। इन दिस एसएलओ ओनली वी हैव टू डिफरेंशिएट, बट आई हैव मेड दिस स्लाइड इन डिटेल सो दैट यू कैन ऑल्सो सॉल्व द एमसीक्यूज इफ दे कम इन द एग्जाम। Malware is short for malicious software. The word refers to any program that harms a computer without the user consent. Malware is general term that include computer virus, worms, trojan horse, spyware and spam. Malware एक ऐसा program है जो हमारे computer को नुकसान पहुँचाता है user की knowledge के बगैर। Malware एक general term है जिसमें वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर एंड स्पैम आ जाते हैं। जैसे कि फ्रूट एक जर्नल टर्म है, फ्रूट में सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स। इसी तरह से मेलवेयर एक जर्नल टर्म है। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ मेलवेयर विच इज़ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हैज़ द एबिलिटी to make copies of itself and to attach itself to other programs or file. Computer virus एक ऐसा software है जिसको सलाहियत होती है अपनी copies generate करने की, जैसे कि एक में से दो हो जाएंगे, दो में से चार हो जाएंगे, और वो इसी तरह से एक file से दूसरी file या एक program से दूसरे file में attach हो जाता है। A virus may or may not destructive. In some cases वायरस कैन इरेज डेटा और करप्ट प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। वायरस डिस्ट्रक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सम नॉटी वायरस विल सिंपली स्लो डाउन योर कंप्यूटर, मगर कुछ जो डेंजरस वायरस होते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव वायरस होते हैं, वो आपकी डेटा को भी इरेज कर सकते हैं और आपके प्रोग्राम को भी करप्ट कर सकते हैं। हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड? Computer virus spread from one computer to another by the transfer of infected data through email, USB or other sources. Computer virus एक computer से दूसरे computer में कैसे transfer होता है? अगर हम infected data किसी को email करते हैं या किसी को USB में देते हैं या दूसरे sources में, दूसरे sources में आपका memory card आ जाता है या आप data cable के through आप किसी को data share करते हैं। अब हम मेलवेयर की दूसरी टाइप डिस्कस करेंगे जिसको हम वॉर्म कहते हैं। कंप्यूटर वॉर्म इज अ कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एंड स्प्रेडिंग इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम, यूजुअली बाय मीन्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर वॉर्म एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको सलाहियत होती है एक दो में से चार होने की, चार में से आठ होने की, मीन्स इट कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस। ये भी वायरस की तरह रिप्रोड्यूस करता है, अपनी कॉपीज जनरेट करता है। पर वॉर्म कैसे स्प्रेड होता है? ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू स्प्रेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर में एक इंटरनेट का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, आप घर में एक राउटर यूज़ कर रहे हैं, आप उसी राउटर से घर के सारे पीसीज कनेक्टेड हैं, अगर किसी एक के पीसी में वॉर्म आ जाता है तो वो सेम नेटवर्क यूज़ करके सारे पीसीज में स्प्रेड हो सकता है। वॉर्म स्प्रेड विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन एंड दस डिफर फ्राम वायरस। वॉर्म किसी भी ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर स्प्रेड होता है। जैसे वायरस कैसे स्प्रेड होता है? ह्यूमन एक्शन के थ्रू। या तो हम वेन वी क्लिक और ओपन इन्फेक्टेड फाइल, या तो हम क्लिक करते हैं या उस इन्फेक्टेड प्रोग्राम को ओपन करते हैं, मगर वॉर्म किसी भी ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर स्प्रेड होता है। वॉर्म स्प्रेड ओनली वेन द यूजर डज समथिंग लाइक रनिंग एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम और अटैच एन इन्फेक्टिंग फाइल। वायरस कैसे स्प्रेड होता है? जब यूजर कुछ ना कुछ करता है, या तो वो इन्फेक्टेड प्रोग्राम रन करता है या इन्फेक्टेड डेटा को अटैच करता है। कंप्यूटर वॉर्म यूजुअली डू नॉट कॉज डायरेक्ट डैमेज। कंप्यूटर वॉर्म कभी भी डायरेक्ट डैमेज नहीं करता है प्रोग्राम्स को या फाइल्स को। However, they consume large amount of memory and network bandwidth. मगर ये कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, जैसे कि रैम ऑक्यूपाई कर लेता है, प्रोसेसर की स्पीड सारी वॉर्म्स की तरफ चली जाती है, और ये इंटरनेट भी ज़्यादा कंज्यूम करता है क्योंकि बैक पे सारे वॉर्म्स के प्रोग्राम
चल रहे होते हैं और हमारी सारी रैम सारा प्रोसेसर वर्म्स के प्रोग्राम की तरफ होता है, तो नतीजा क्या होता है कि हमारा पीसी जो है वो स्लो हो जाता है या इस तरह हो जाता है कि हम उस पर कोई काम नहीं कर सकते। ट्रोजनहॉर्स, ट्रोजनहॉर्स ये ऐसे फेक सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें ऐसे लगता है कि हमारे पीसी के लिए फायदेमंद है, मगर ये असल में होते नहीं है। ट्रोजनहॉर्स अटेम्प्ट टू स्टील एंड पास ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड नंबर। ट्रोजनहॉर्स का मकसद क्या होता है, वो स्टील चोरी करना चाहता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं या काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे हमारी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड्स होते हैं या क्रेडिट कार्ड नंबर्स, वो चोरी करना चाहते हैं। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बाई इन्फेक्टेड अदर फाइल्स और बाई सेल्फ रेप्लीकेटिंग लाइक वॉर्म एंड वायरस। ये वायरस और वॉर्म की तरह अपने आप को रेप्लीकेट नहीं करते, मीन्स के अपनी कॉपीज नहीं जनरेट करते हैं। अगर ट्रोजनहॉर्स एक होता है तो वो पीसी में एक ही रहता है, दो नहीं होते। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी आप इंटरनेट यूज करते हैं तो काफ़ी फेक सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, जैसे कि लाइक समटाइम ऐसे मैसेजेस आते हैं, वी फाउंड 27 एरर इन योर पीसी, क्लिक हेयर टू फिक्स देम। हमने आपके पीसी में 100 एरर्स फाइंड किए हैं, आप इस बटन को क्लिक करें तो वो सारे एरर्स रिमूव हो जाएंगे। या ऐसे मेमोरी क्लीनर्स आते हैं या स्पीड बूस्टर, इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं जो हमें ऐसे लगता है कि हमारे पीसी के लिए फ़ायदेमंद है, और यूज़र वो अपनी गलती से उनको इंस्टॉल कर लेता है क्योंकि ये प्रोग्राम्स यूज़र को बेवकूफ़ बनाते हैं। उसको ऐसे लगता है कि ये हमारे पीसी के लिए फ़ायदेमंद है मगर असल में होते नहीं है। अ ट्रोजनहॉर्स एंटर अ कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज अ यूजर इंस्टॉल्ड इट अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन दैट इट इज़ अ यूजफुल एंड हार्मलेस प्रोग्राम। ट्रोजनहॉर्स कंप्यूटर में हमारी वजह से आ जाता है क्योंकि हम उसको खुद ही इंस्टॉल करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि यह हमारे कंप्यूटर के लिए फ़ायदेमंद है और यह हार्मलेस प्रोग्राम है। पर इसका मेन मकसद क्या होता है, टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द इन्फेक्टेड कंप्यूटर। मगर ये आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिसमें आपका पासवर्ड क्रेडिट कार्ड नंबर्स आ जाते हैं, चोरी करना चाहते हैं। नाउ स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना। स्पाईवेयर रेफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सीक्रेटली गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर एंड रिलाई टू एडवर्टाइजर्स और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। स्पाईवेयर ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यूजर की इंफॉर्मेशन को सीक्रेटली चोरी करते हैं और उनको एडवर्टाइजर्स को देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की है फॉर एग्जांपल, तो उसके एड्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय टी शर्ट्स, जैसे किसी को शौक है टी शर्ट्स बाय करने का, अगर वो मोस्टली दराज पे टी शर्ट्स की शॉपिंग करता है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है, अगर वो यूट्यूब यूज़ कर रहा होता है तो वहाँ पे वो टी शर्ट्स की एड आ जाती है। तो उनको कैसे पता चलता है, असल में होता क्या है, अगर आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो तो वो वेबसाइट वाले चोरी छुप छुप छुपके से एक फाइल आपके कंप्यूटर में डाल देते हैं। उस फाइल के थ्रू उनको आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि ये यूज़र कौन सी वेबसाइट या कौन से वेब पेज पे ज़्यादा जाता है, कौन सी वेबसाइट पे ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मीन्स के आपकी इंटरेस्ट का उनको कुकीज़ के थ्रू पता चलता है। अगर आपकी इंटरेस्ट का उनको पता चल जाता है तो नेक्स्ट टाइम आपको उसी प्रोडक्ट की एड्स वो देते हैं। तो स्पाईवेयर में आपको मैं दो एग्जांपल्स बताती हूँ, एक तो की लॉगर, एक कुकीज़। की लॉगर्स का हमने पहले भी डिस्कस किया है कि की लॉगर्स क्या करता है, कि की लॉग मीन्स के रिकॉर्ड, आपकी जो भी आप कीबोर्ड पे की प्रेस करते हो उसका रिकॉर्ड जो है वो की लॉगर जिसने इंस्टॉल किया है उसकी तरफ जाता है। नतीजा क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह की है अपने कंप्यूटर यूज़ करके, तो उनको आपके पासवर्ड का आराम से पता चल जाता है। तो स्पाईवेयर में दो चीज़ें आ जाती है, एक की कुकीज़, एक की लॉगर्स। कुकीज़ मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, उनको उनके थ्रू कुकीज़ के थ्रू उनको आपकी इंटरेस्ट का पता चल जाता है कि आप कौन सी वेबसाइट पे ज़्यादा जाते हो। स्पाईवेयर रेफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सीक्रेटली गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र एंड रिलाई इट टू एडवर्टाइजर्स और अदर इंटरेस्टेड पार्टी। स्पाईवेयर ये ऐसे प्रोग्राम है जो चोरी छुपे
आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उनको एडवर्टाइजर्स को देते हैं। फॉर एग्जांपल, कुकी एक स्पाइवेयर का टाइप है। कुकीज़ के थ्रू उनको आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री का पता चलता है कि कौन से आप वेब पेज ज़्यादा फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, तो उनके एड्स आपको आ जाते हैं। या दूसरे इंटरेस्टेड पार्टीज़ में अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है आपकी, जो है स्पाई करना चाहता है कि ये फॉर एग्जांपल ये लोग कौन से कीज़ ज़्यादा प्रेस करते हैं, या आपका पासवर्ड वगैरह चोरी करना चाहता है, तो ये इंटरेस्ट उनका हो सकता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पाई बूट आर ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। हम स्पाईवेयर को स्पाई बूट या ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ट्रैक करना मीन्स के जैसे होता है ना, ट्रैक करना। स्पाईवेयर इज ऑफन इंस्टॉल्ड विदाउट द यूजर कंसेंट। व्हेन द यूजर डाउनलोड समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट, द यूजर क्लिक्स ऑन समथिंग इन पॉपअप विंडो दैट अपेयर वाइल ब्राउजिंग। स्पाईवेयर ये यूजर की नॉलेज के बगैर ही हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं। किसी तरह से कैसे, जब हम कभी इंटरनेट से कभी कभी गेम्स या सॉन्ग्स या मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं, उसके साथ ही ये इंस्टॉल होकर आ जाते हैं। या हम किसी ऐसे पॉपअप विंडो को, जैसे हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, हम कभी कभी ऐसे मलेशियस वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहाँ जो है हमें एड्स आ जाती हैं, या विंडोज़ अचानक से दूसरे टैब्स ओपन हो जाते हैं, अगर हमने गलती से उस टैब को क्लिक कर लिया तो उसमें भी स्पाइवेयर हो सकता है। स्पाइवेयर कैन कंज्यूम अ लॉट ऑफ मेमोरी, मेकिंग द कंप्यूटर वेरी स्लो एंड डिफिकल्ट टू वर्क। स्पाइवेयर भी कंप्यूटर की मेमोरी को ज़्यादा कंज्यूम करता है और हमें मुश्किल हो जाता है कंप्यूटर को यूज़ करना। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ स्पाइवेयर इज दैट इट कैन स्टील योर इन्फॉर्मेशन एंड मिस यूज़ योर कंप्यूटर। मगर ये एक प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि ये आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकता है और उसको मिस यूज़ कर सकता है। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ मेलवेयर इज एडवेयर। एडवेयर अ टर्म ड्राइव फ्रॉम एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। एडवेयर क्या होते हैं, इसका फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। ये भी एक टाइप के मेलवेयर होते हैं जो हमें बंडल्स की शक्ल में आ जाते हैं। जैसे कि हम कभी इंटरनेट से कोई फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ एडवेयर्स भी आ जाते हैं। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा, अगर आपने एंड्रॉयड से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की है और उसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल किया है, अगर आप गेम वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ एड्स आ जाते हैं, और ये बहुत अनोइंग होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं। नोबडी लाइक एड्स, कोई भी पसंद नहीं करता एड्स को। अगर हम कोई काम कर रहे हों, अचानक से एड्स आ जाएं, तो ये हमारा टाइम जो है ना वो वेस्ट करते हैं। दीज टर्म्स एडवेयर्स क्या है, दीज टर्म्स आर यूज फॉर एनी प्रोग्राम दैट डाउनलोड और डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो डिस्प्ले करते हैं हमारे स्क्रीन पे अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट। एडवेयर इज ऑफन कम इन बंडल विथ सम सॉफ्टवेयर। ये हमारे हमें बंडल्स की फॉर्म में मिलते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के साथ डाउनलोड होकर आ जाते हैं। अब इनका मकसद क्या होता है, एडवेयर क्यों लोग बनाते हैं? डेवलपर में इंक्लूड एडवेयर इन द सॉफ्टवेयर टू रिकवर डेवलपमेंट कॉस्ट। दिस वे दे प्रोवाइड द प्रोडक्ट फ्री और एट डिस्काउंटेड प्राइस। डेवलपर क्या करते हैं, आपको अगर फ्री सॉफ्टवेयर देते हैं तो उनका जो उनके उनके ये वो अपनी डेवलपमेंट कॉस्ट जो है एड्स देकर जो है ना वो रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो उन उनको मीन्स के कमाई या इनकम जो है ना वो सारी इन एड्स पे ही होती है। एक ये मतलब ये क्या कहते हैं, ये फोर्सफुली हमें एड्स दिखाते हैं। जिसने एडवेयर बनाया होता है उनको पैसे मिलते हैं इस एड्स दिखाने के। एडवेयर डिस्प्ले पॉपअप एडवर्टाइजमेंट व्हेन यू आर ऑनलाइन। ये क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट शो करते हैं अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो। एडवेयर जनरेट प्रॉफिट फॉर कंपनी थ्रू डिस्प्ले एंड पे पर क्लिक। एडवेयर के थ्रू उन कंपनी को दो तरह से फ़ायदा होता है, या एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले करके, या अगर कोई यूज़र उस को क्लिक करता है। पे पर क्लिक मतलब हर क्लिक के उनको उनको पे होती है। ये जो है मैंने डिटेल में सारे मेलवेयर्स को डिस्कस किया है। अगर मैं इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो ये है वायरस, वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स। नाउ आई थिंक यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट ऑल दोज मालवेयर्स। नंबर 1, वायरस, वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स।
वायरस क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना. इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना मीन्स के डिलीट करना या इरेज करना या करप्ट करना. और वॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ईट द सिस्टम रिसोर्स. सिस्टम रिसोर्सेज को ईट, सिस्टम का रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, रैम है, प्रोसेसर है, ये सिस्टम के रिसोर्सेज हैं. और ट्रोजन हॉर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंफॉर्मेशन को चोरी करना. नाउ वायरस रेप्लिकेट इटसेल्फ, वायरस भी रेप्लिकेट कर सकते हैं मींस के दो में से चार हो जाएंगे. वर्म्स भी रेप्लिकेट कर सकते हैं मगर ट्रोजन हॉर्स डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ. नाउ द स्प्रेडिंग रेट ऑफ वायरसेस आर मॉडरेट. वायरस जो हैं वो मॉडरेटली स्प्रेड होते हैं. वर्म्स स्प्रेडिंग रेट ऑफ वर्म्स आर फास्टर देन वायरस एंड ट्रोजन हॉर्स. जो वर्म है वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड होते हैं वायरस और ट्रोजन हॉर्स से. स्प्रेडिंग रेट ऑफ ट्रोजन हॉर्स इज स्लो इन कंपेरिजन ऑफ बोथ वायरस एंड वर्म. वायरस और वर्म से स्प्रेडिंग रेट ट्रोजन हॉर्स का बहुत कम है. वायरस को हम डिलीट भी कर सकते हैं और डिटेक्ट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. वॉर्म को भी हम डिलीट कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके. तो समटाइम कैन नॉट बी डिलीटेड एंड डिटेक्टिंग यूजिंग एंटीवायरस. ट्रोजन हॉर्स कभी कभी डिलीट भी नहीं होते और डिटेक्ट भी नहीं होते. जैसे हमारे कंट्रोल पैनल्स में जो भी हम इंस्टॉल प्रोग्राम करते हैं वो सारे शो होते हैं. अगर कभी कभी ऐसा होता है की लॉगर अगर आपके पीसी में किसी ने इंस्टॉल कर दिया, आपके कंट्रोल पैनल में भी शो नहीं होता. जैसे प्रोग्राम फाइल्स में सारे इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट शो होती है, उसमें भी शो नहीं होता. कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता. स्प्रेड विथ यूज़र इंटरेक्शन. वायरस यूज़र जब कोई फाइल को ओपन करता है या रन करता है उसी तरह से स्प्रेड होता है. और वायरस सॉरी वॉर्म विदाउट यूज़र इंटरेक्शन, वॉर्म यूज़र इंटरेक्शन के बगैर स्प्रेड होता है. और ट्रोजन हॉर्स स्प्रेड विथ यूज़र इंटरेक्शन. बोथ वायरस एंड ट्रोजन हॉर्स स्प्रेड विथ यूज़र इंटरेक्शन. नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडवेयर एंड स्पाइवेयर. एडवेयर क्या होते हैं, एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर. ये क्या होते हैं, स्पाइंग सॉफ्टवेयर होते हैं. एडवेयर का गोल क्या होता है, टू सेल और प्रोमोट. ये एड्स देकर अपनी सेलिंग करते हैं या उसी प्रोडक्ट को प्रोमोट करते हैं, जैसे बहुत से यूजर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए. और स्पाइवेयर का गोल क्या होता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, सीक्रेट इंफॉर्मेशन गैदर करना. डेटा पुश्ड फ्रॉम देम टू यू. एडवेयर के थ्रू एड्स आपकी तरफ आते हैं बंगर स्पाइवेयर के थ्रू आपकी जो डेटा है पुल्ड होती है, मींस कि आपकी तरफ से जाती है. एडवेयर के थ्रू आप डेटा मींस के एड्स आपकी तरफ आते हैं, मींस के एड मींस के डेटा है ये आपकी तरफ आते हैं, मगर स्पाइवेयर ये क्या करता है, पुल करता है डेटा, मींस के चोरी करता है, स्टील करता है. एडवेयर का उम्मीद क्या लगाते हैं, यू विल बाय आर विजिट. वो एड्स दिखाकर उनको ये उम्मीद होती है कि वो आप प्रोडक्ट बाय करोगे या उस को विजिट करोगे. स्पाइवेयर होपफुली इंफॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर सेल और पावर. ये क्या करता है कि या तो स्पाई मीन्स के कुकीज़ अगर आ जाते हैं स्पाइवेयर के. मैंने आपको दो तरह के बताए थे ना टाइप्स, एक कुकीज़ एक कीलॉगर. या तो वो सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं कि मतलब वो आप प्रोडक्ट की क्या करें, सेल करें एड्स दिखाकर. या पावर, अगर फॉर एग्जांपल पावर मीन्स के आपको कोई जो है ना वो मतलब किसी ने आपका पासवर्ड चुरा लिया है, तो वो आपको ऐसे कहें कि इतने पैसे आप लोग दो और हम आपको पासवर्ड जो है ना दोबारा से बताएंगे, या आपकी जो भी स्पाइंग आपने की है वो करना छोड़ देंगे. तो ये पावर के लिए यूज़ करते हैं. सो दिस वॉज अवर टूडेज टॉपिक. होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स. सो थैंक यू सो मच.